हैं दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि सेट एसोसिएटिव मैपिंग के ऊपर बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट मैपिंग टेक्निक है, गेट एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, तो अपन गेट एग्जाम के भी क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन उसको करने के पहले अपने को ये टेबुलर फॉर्मेट में पहले आइडिया क्लियर करना होगा कि अपन किस तरीके से फॉर्मूला को अप्रोच करेंगे। बिल्कुल वही आइडिया है जैसे अपन डायरेक्ट मैपिंग किए थे, एसोसिएटिव मैपिंग किए थे, बिल्कुल वैसे ही करना है। बस एक बार क्लियर करने के लिए, सारे फॉर्मूला को क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बनवा रहा हूं। कुछ पैरामीटर मिसिंग है, कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं, आपको निकालना है, ये सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मेन मेमोरी का साइज दिया है, देख के ही अपन बता सकते हैं भैया फिजिकल एड्रेस अपने पास है। कैश साइज दिया है, ब्लॉक साइज दिया है, नंबर ऑफ कैश लाइन निकाल लोगे आप समझ लोगे। और यहां पे सेट एसोसिएटिव बता दिया है कि टू वे है कि फोर वे है, ठीक है। कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को वो समझते हैं। देखिए मेन मेमोरी का साइज आपको दे के रखा है 128 KB, बहुत बढ़िया। 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो, कर लिए। फिजिकल एड्रेस आपको मिल जाएगा 17 बिट्स का है, ठीक है, ये 17 बिट का है, बहुत बढ़िया। ब्लॉक साइज आपको देके रखा है 256 बाइट, तो 256 बाइट देके रखा है, 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 8 बिट्स हो जाएगा, 8 बिट्स हो गया, बहुत बढ़िया। वर्ड ऑफसेट हो गया 8 बिट्स। अब उसके बाद ये SLO निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा भैया, नंबर ऑफ कैश लाइन निकाल लो। नंबर ऑफ कैश लाइन कैसे निकालेंगे, कैश मेमोरी का साइज अपॉन ब्लॉक साइज, शानदार। तो कैश मेमोरी का साइज कितना है, 16 KB आपको देके रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्लॉक साइज आपको कितना दिया है, 256 बाइट दिया है। इसको सॉल्व किए तो ये नंबर ऑफ कैश लाइन आपके पास आ गया 64। अब S is equal to क्या होता है, N upon K होता है, या फिर N by P भी लिखते हैं कई लोग। तो S is equal to N by K हो गया। नंबर ऑफ सेट यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, N मेरा 2 की पावर 6 आ गया है, और K मेरा दे के रखा था क्वेश्चन में 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग था, ठीक है। तो ये आ गया 2 की पावर 5, मतलब कि 32 सेट होंगे हम लोग के पास, ठीक है। तो इसका पावर ले लो, सीधा पावर ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, मेरा SLO बिट्स हो जाएगा, या फिर लॉग बेस 2 ले लो, एक ही मतलब है, ठीक है। उसके बाद फिर टैग बिट कैसे निकालेंगे, ये अगर मेरा आ गया 5, ये पूरा था मेरा 17, तो इसको प्लस करके इसे माइनस कर दो भाई, तो कर दिए ये चीज, तो मेरा आ गया टैग बिट्स मेरे को मिल गया। और टैग डायरेक्टरी का साइज कैसे मिलता है, एक टैग बिट मेरा इतना बिट खा रहा है, 4 * कितने हमारे पास कैश लाइंस है, तो वो है 2 की पावर 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया हम लोग का टैग डायरेक्टरी का साइज, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कितने नंबर ऑफ कंपैरेटर लगेंगे तो कितना होगा, जितना भी वे एसोसिएटिव दिखा होगा, तो ये 2 वे एसोसिएटिव है, इसका मतलब 2 कंपैरेटर अपने को लगेगा। और कंपैरेटर का साइज कितना होगा, जितना आपके पास टैग बिट का साइज होगा, तो 4 बिट का 2 कंपैरेटर अपने को लगने वाला है, आप आइडिया समझ रहे होगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल वही अप्रोच है। देखिए यहां पे मेन मेमोरी का साइज दिया है, कैश मेमोरी का साइज दिया है, ब्लॉक साइज दिया है, टैग बिट निकालना है, टैग डायरेक्टरी का साइज दिया है, और 4 वे सेट एसोसिएटिव दिया है, ठीक है। इस बार अपन थोड़े दूसरे अप्रोच को यूज करेंगे, जैसे अपन किए थे मेन मेमोरी का साइज आपको देके रखा है 32 GB, फिजिकल एड्रेस तुरंत लिख लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। टैग बिट्स अपन कैसे निकाल रहे हैं, बट डायरेक्टली कर रहे हैं, देखो log base 2 mms upon cms into k हो जाएगा, ये अपने को पता है। तो मेन मेमोरी का साइज अपने को देके रखा है 32 GB, और ये देके रखा है अपने को 32 KB, देख लो, ये देके रखा है, ये देके रखा है, और 4 वे सेट एसोसिएटिव है, तो 4 वे सेट एसोसिएटिव है into 4 कर दिए। इसको सॉल्व किए तो देखो 2 की पावर ये आ गया हम लोग का, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 22 आ जाएगा, देखो ये हो गया 20 और ये हो गया 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 22। वर्ड ऑफसेट कैसे निकालें भैया, ब्लॉक साइज देके रखा है 1 KB, वर्ड ऑफसेट कितना आ गया, सीधे इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10 भी लिखेंगे, तो 10 बिट आ गया अपने उस वर्ड ऑफसेट, ठीक है, ये आ गया। ऐसे लोग कैसे निकाल सकते हो भाई, 35 में से ये प्लस करके माइनस कर दो, ठीक है, तो ये अपन कर दिए, तो SLO आ गया, सेट लाइन ऑफसेट आ गया 3 बिट का, बहुत शानदार, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आया, कैसे भी आप करो, आपको जो अच्छा लगता है वो आप परफॉर्म करो, ठीक है। टैग डायरेक्टरी का साइज क्या हो जाएगा, एक टैग हम लोग का खा रहा है 22 bits, तो 22 * नंबर ऑफ कैश लाइन, नंबर ऑफ कैश लाइन कैसे निकाले भाई, कैश मेमोरी का साइज अपॉन ब्लॉक साइज, तो ये आ गया हम लोग का टैग डायरेक्टरी का साइज। कितने कंपैरेटर लगेंगे भैया, जितने नंबर ऑफ पी वे सेट एसोसिएटिव दिया होगा, 4 वे दिया है, इसका मतलब 4 तो कंपैरेटर लगेगा, उसका साइज कितना होगा, जितना टैग बिट का साइज है, इतने बिट का अपने पास एक कंपैरेटर लगेगा, वैसे कितने कंपैरेटर लगेंगे, 4 कंपैरेटर लगेंगे, आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने, ये इस बार नहीं दिया है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है भाई, बहुत सिंपल। और 8 वे सेट एसोसिएटिव दिया हुआ है, टैग बिट देख रखा है 7 है, लॉग बेस 2 ये चीज कर लो, ठीक है, ये दिया है, ये दिया है, और इसको सॉल्व करो, ये 8 वे एसोसिएटिव है, ठीक है, 8 वे सेट एसोसिएटिव दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मेमोरी का साइज यहाँ पर से आप निकाल लोगे तो ये आ गया मेरे पास 8 MB, आप समझ रहोगे। अब मेन मेमोरी का साइज अगर अपने पास है तो 2 की पावर ये कितना हो गया, 23 हो गया, तो ये 2 की पावर 23 है, मतलब फिजिकल एड्रेस मेरा 23 बिट्स का है, बहुत
बहुत बढ़िया। ब्लॉक साइज अपने को देके रखा है, इसका मतलब वर्ड ऑफसेट भी अपने पास आ गया है। सेट लाइन ऑफसेट कैसे निकाल लेंगे भैया, ये अपने पास है, ये अपन निकाल लिए हैं, ये पूरा अपन निकाल लिए, तो सेट लाइन ऑफसेट तुरंत निकाल लेंगे, आप समझ रहे। और टैग डायरेक्टरी का साइज कैसे निकालेंगे भाई, वही चीज, एक टैग अपना खा रहा है 7 बिट को, तो यहाँ पे जितना भी कैश लाइन होगा कितना होगा, कैश मेमोरी का साइज अपॉन ब्लॉक साइज, तो ये अपन मल्टीप्लाई कर दिए, इतने बिट का टैग डायरेक्टरी साइज लगेगा। 8-way सेट एसोसिएटिव दिया था, इसका मतलब क्या, वहां पे 8 कंपैरेटर लगेंगे और हर एक कंपैरेटर का साइज कितना होगा, 7 बिट लगेगा, क्योंकि 7 बिट का टैग है एक तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अब आप आइडिया समझ रहे होंगे, ये मेन मेमोरी साइज दिया, ये नहीं दिया, ये दिया है, ये दिया है, ठीक है, 4-way सेट एसोसिएटिव दिया है, बहुत बढ़िया। तो देखो मेन मेमोरी का साइज दिया है, सीधा अपन फिजिकल एड्रेस लिख लिए, ठीक है, नंबर ऑफ टैग बिट्स दिया हुआ है अपने को, यहां पर से अपने पास कैश मेमोरी इस बार निकालना है, तो ये निकाल लेंगे, आप समझ रहे होंगे। कैश मेमोरी का साइज निकाले, टैग डायरेक्टरी का साइज कैसे निकालते हैं भाई, सिंपल, टैग बिट अपने पास कितना है, 10 है, इनटू कैश लाइंस, कितने कैश लाइंस है मेरे पास, कैश मेमोरी का साइज अपॉन ब्लॉक साइज कर दिए, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। कितने कंपैरेटर लगेंगे, तो भैया 4-way सेट एसोसिएटिव दिया था, तो 4 कंपैरेटर लगेंगे, हर एक कंपैरेटर का साइज कितना होगा, 10 बिट होगा, आप आइडिया समझ रहे होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन, तो यहां पे इस बार अपने को कैश साइज नहीं दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है, टैग बिट दिया है, तो टैग बिट दिया है, ये दिया है, तो अपन ये निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपन निकाल लिए तुरंत, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो अपन यूज कर रहे थे, लॉग बेस 2 मेन मेमोरी साइज इनटू के अपॉन कैश मेमोरी का साइज, ये दिया है अपने को, ये दिया हुआ है अपने को, ये नहीं दिया है, तो ये अपन कैश मेमोरी का साइज तुरंत निकाल लिए। अब देखो, अब यहां पे ये तो अपन निकाल लिए, लेकिन यहां पे ब्लॉक का साइज नहीं दिया है, अगर ब्लॉक का साइज नहीं दिया है तो मैं नंबर ऑफ कैश लाइंस नहीं निकाल पाऊंगा, अगर ये नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं टैग डायरेक्टरी का भी साइज नहीं निकाल पाऊंगा। हां, कंपैरेटर मैं बता दूंगा कि 4 कंपैरेटर लगेगा और हर एक कंपैरेटर का साइज 10 बिट होगा, लेकिन ये नहीं दिया है तो अपन ये नहीं निकाल पाएंगे। बहुत बढ़िया, देखिए इस बार आपको कैश मेमोरी का साइज दिया, पिछली बार ये दिया था, तो फिर से वही, ये दिया है अपने को तो अपन ये निकाल लेंगे, क्योंकि टैग बिट अपने को फिर से देके रखा है, लेकिन ब्लॉक साइज अपने को नहीं दिया है तो अपन टैग डायरेक्टरी का साइज नहीं निकाल पाएंगे। हां, कंपैरेटर अपन फिर से बता देंगे कि 8 कंपैरेटर लगेगा, हर एक कंपैरेटर का साइज होगा 7 बिट, ठीक है, तो आप आइडिया समझ गए होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन अपना इस तरीके से था, कैश मेमोरी का साइज अपन निकाल लिए, ठीक है, 256 KB है यहां पे, 256 KB, ये आप समझोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे सारे के सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए हैं। अगली वीडियो मिलूंगा जहां पे अपन गेट एग्जाम के क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद फिर मैं और भी बहुत सारे ढेर सारे अपन प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपका आइडिया पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू।